नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। देवास जिला अस्पताल अव्यवस्था का दूसरा नाम हो गया है। आलम यह है कि नशे में धुत एक व्यक्ति जिला अस्पताल के अंदर गायनिक वार्ड में बाइक लेकर घुस गया। ये वाकया रात 2 बजे का, बाद में स्टाफ ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात जिला अस्पताल में नशे में धुत व्यक्ति मोटर बाइक लेकर गायनिक वार्ड तक पहुंच गया। यह घोर लापरवाही देर रात में हुई, जब जिला अस्पताल में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। जब इसकी सूचना मिली तो रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। नशे में धुत युवक, जो अपने आप को उज्जैन का बता रहा था, वह मोटर बाइक को गायनिक वार्ड तक ले गया। वो कोई मरीज लेकर यहाँ आया था। गायनिक वार्ड में पुरुष, वो भी नशे में और ऊपर से आधी रात में बाइक के साथ, यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा। जब तक लोगों ने उसे देखा और समझाया तो वो फौरन बाहर चला गया, लेकिन वहां भी किसी व्यक्ति से लड़ाई करने लगा। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामले की सूचना लोगों ने रात में जिम्मेदारों को दी थी, लेकिन उस वक्त उनमें से कोई नहीं आया। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 सिक्योरिटी गार्ड रात में तैनात थे, उसके बावजूद यह घटना हुई। बाद में सबने मिलकर युवक को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। ये वही अस्पताल है जिसका कुछ दिन पूर्व ही रिनोवेशन के बाद प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने उद्घाटन किया था। बड़ी खामी यह है कि रिनोवेशन में यहां लगे सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीएनएन न्यूज़।